आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान आज पूरा हो चुका है, लगभग 6 बजे तक वोटिंग की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है। अब जो भी लोग पोलिंग बूथ पर लाइन में खड़े हैं उन्हें ही मतदान का मौका मिल पाएगा। तो आपको इस वक्त 5 बजे के वोटिंग परसेंटेज इस वक्त स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। अगर हम बात करें तो कुल मतदान 57.45% उत्तर प्रदेश में चौथे चरण में हुआ है। वहीं अगर हम जिलेवार बात करें तो लखनऊ में 54.98% मतदान किया गया है, पीलीभीत में 61.42% मतदान हुआ है, वहीं सीतापुर में 58.30% मतदान पूरा हो चुका है। वहीं पर हम बात करें फतेहपुर की तो फतेहपुर में 57.02% मतदान जो है वो पूरा हो चुका है। वहीं सबसे ज्यादा मतदान की अगर हम बात करें तो इसमें लखीमपुर खीरी जिला है, वो 62.45% से सबसे ज्यादा मतदान वाला जिला इस वक्त बन चुका है। आपको बता दें कि 9 जिलों की 59 सीटों पर आज वोटिंग जो है वो की गई थी, जिसमें सबसे ज्यादा मतदान लखीमपुर खीरी से सामने आया है। फिलहाल अभी तक टोटल जो काउंटिंग है वो पूरी नहीं हुई है, कितने प्रतिशत मतदान अभी तक कंप्लीट हुआ है चौथे चरण में इसका नतीजा आपसे कुछ ही देर बाद सामने आएगा। पर इस वक्त आपको स्क्रीन पर हम 5 बजे तक के मतदान का प्रतिशत दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार का रुझान आज जनता के बीच देखने को मिला है, जहां पर 59 सीटों पर लगभग 57.45% शाम 5 बजे तक मतदान हो चुका है। वहीं आज के चौथे चरण के मतदान को लेकर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले राजेंद्र वर्मा जी, प्राइम टीवी में आपका जोरदार स्वागत है। शुक्रिया अनुष्का मैडम जी। तो राजेंद्र जी, जिस तरह से अभी 9 जिलों की 59 सीटों पर आज चौथे चरण का मतदान जो है वो पूरा हो चुका है, लगभग 5 बजे की अगर हम बात करें तो 57.45% वोटिंग शाम 5 बजे तक पूरी हुई है, किस प्रकार से देखते हैं आप, किस प्रकार का रुझान इस वक्त जनता के बीच देखने को मिला है? देखिए, आज चौथे चरण का एक महत्वपूर्ण चुनाव था जी, जिसको कहते हैं कि इससे सरकार बन रही है इस चरण के बाद और बनेगी। तो ये जो वोटिंग पैटर्न, यदि हम लोग लखनऊ की बात करें, जैसे हमने लखनऊ को ऑब्जर्व किया है, आज सुबह से वोट भी दिया है, और जो आप बता रहे हैं कि 57.45 अभी तक पूरा जो 5 बजे तक का जो परसेंटेज है, हमारे हिसाब से तो ये ज्यादा अच्छा परसेंटेज नहीं है। मान लीजिए 60%, 62% भी चला जाता है तब भी ठीक माना जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा इस परसेंटेज को। लेकिन इस ट्रेंड में हमको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आपको जो इस समय लग रहा है कि ये वोटर कौन सा नहीं निकल रहा है जी, तो शहरी क्षेत्रों का वोटर भी थोड़ा सा कम टर्नआउट हो रहा है, और जो खासतौर से ये कहना पड़ रहा है कि बीजेपी का भी जो वोटर जो थोड़ा सा बीजेपी से भी नाराज है, यदि वोट देगा तो अल्टीमेटली बीजेपी को देगा, इससे अच्छा वो अब्सटेंड कर जाए, तो इस ये ऐसे लोग भी वो वोट के लिए नहीं निकले हैं जी। और जो चौथे चरण की यदि चुनाव की बात करें तो एक जो अभी तक जो 3 चरणों में देखा है कि जो रुझान लग रहा है वो एक तरफ एक पार्टी विशेष या गठबंधन विशेष को जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, और इस चौथे चरण में भी है। देखिए, मैं इस चीज में एक और मैं महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं कि कर्मचारियों का एक मुद्दा जो बीजेपी ने इग्नोर किया, पुरानी पेंशन का मुद्दा, आप इसको भले ही हल्का मुद्दा लें, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने, केशव प्रसाद मौर्य जी ने, आदरणीय दिनेश शर्मा जी ने भी कहा कि नहीं ये कोई मुद्दा भी नहीं है और ये नहीं हो सकता है। आज ही आपने देखा होगा कि आज राजस्थान में मुख्यमंत्री गहलोत जी बजट पेश कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम इसको पुरानी पेंशन बहाली 2004 के बाद जितने भी कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा कर रहे हैं, जिससे एकदम देखिए आपने बूम आ गया, एकदम कर्मचारियों में खुशी की लहर आ गई, जितने भी कर्मचारी शिक्षक जो भी हैं जितने कार्मिक हैं, तो इस हिसाब से इस मुद्दे को भी यूपी की जो कर्मचारी हैं, जितने कार्मिक हैं, कर्मचारी अधिकारी शिक्षक जितने भी हैं, वो पुरानी पेंशन का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण मान रहे थे, अभी भी मान रहे हैं, और उसमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में आपने देखा होगा कि पहली बार बैलेट वोटर हुए हैं तो रिकॉर्ड बैलेट वोटों की वो संख्या हुई है, मतदान हुए हैं बैलेट वोटर से, कभी इतने ज्यादा लाइन लग के लोगों ने बैलेट लिए हैं कि नहीं हमको अपने मुद्दों पर राजनीति करनी है और हमको अपने लिए वोट करना है, अपनी सामाजिक सुरक्षा के लिए वोट करना है। तो एक ये चीज जिसको
लोग नजरअंदाज कर रहे थे इसने माहौल बनाने में, और इस और अभी तक के जो तीन पेज हैं वो पहली फर्स्ट पेज भी आप कह सकते हैं किसान का ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा था, किसान के मुद्दे ने वहां पे बहुत काम किया, और जो अभी खासतौर से तीसरे और चौथे चरण में है और आगे वाले चरणों में भी जहां के जहां पे कर्मचारियों की संख्या बहुत है, जैसे लखनऊ, लखनऊ रीजन में कर्मचारी बहुत है, तो उन लोगों ने जो पुरानी पेंशन के मुद्दे पे एकजुट होके कोई पार्टी विशेष नहीं, जिसने वादा किया उसके साथ गए, उसके साथ जा रहे हैं और बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे क्योंकि ज्यादातर लोग वही चुनाव भी कराते हैं, उन्हें चुनाव में ड्यूटी भी लगती है, तो एक माहौल देखने को मिल रहा है कि नहीं इस बार परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, तो परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश, और 10 तारीख के बाद सबके सामने आ जाएगा। और हम लोग जो असेस कर पा रहे हैं कि हम लोग को लग रहा है फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बदलेगी, अब देखते हैं 10 के बाद क्या होता है। जी, जिस तरह से अभी आपने लखनऊ का जिक्र किया है, अगर हम वहीं की वोटिंग की बात करते हैं तो राजधानी लखनऊ जो हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जहां पर सबसे ज्यादा वीवीआईपी मोमेंट देखने को मिला है, जहां पर कई भाजपा के दिग्गज जो नेता थे वो चुनावी मैदान में थे, कई जगह पे कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी, लेकिन वहीं अगर वोटिंग की बात करें तो लगभग 55% वोटिंग हुई है। अगर हम अगर कई और जो जिले हैं जो पिछड़े जिले माने जाते हैं, अगर उनका राजधानी से कंपेरिजन किया जाए तो बेहद ही कम वोटिंग आज लखनऊ में देखने को मिली है, इसकी क्या वजह देख? जी, मैंने पहले जैसे कहा ये तो बीजेपी के लिए और निराशा की बात है। लखनऊ का क्षेत्र ये अवध रीजन में हम लोग मान के चल रहे थे बीजेपी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड रख रही है, और यदि बीजेपी वाला मतदाता नहीं निकल रहा है, क्या कारण है उसके, नाराजगी है या क्या है, या फिर किसी दूसरे पार्टी में नहीं जाना चाहता है, तो ये बीजेपी को अल्टीमेटली डैमेज कर रहा है। देखिएगा रिजल्ट आप, जो हम लोग एसेस कर रहे हैं वो होगा, और जो परिवर्तन चाह रहा है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, तो बीजेपी को इसमें अल्टीमेटली हमको नुकसान दिखाई दे रहा है कि बीजेपी का वोटर जो है वो टर्न डाउन नहीं हुआ। और हम कह रहे हैं कि आप चलिए आज बीजेपी का हो किसी एक्स वाई जेड जो भी पार्टियां नहीं हो जिसका भी हो, लेकिन वोटिंग परसेंटेज हमेशा होना चाहिए, वोट बढ़ने चाहिए, और लखनऊ जैसा शहर जो आपको पूरे देश में पूरे प्रदेश में एक नजीर बनता है और एग्जाम्पल सेट करता है, और लखनऊ के लोग नहीं निकलना है लोकतंत्र के लिए थोड़ी अच्छी बात नहीं है, लोगों को निकलना चाहिए। मतदान का अवसर 5 साल बाद आता है और हमारा लोकतंत्र मजबूती का सबसे सशक्त साधन है, जिसमें हम अपनी सरकार चुनते हैं, जो हमारे मुद्दों की बात करें, जो भी आपको मुद्दे पसंद है, जो आपके प्रभावी मुद्दे हैं, जो आपको वर्तमान में आपको इफेक्ट कर रहे हैं, वैसे सभी मुद्दे वो सब कर्मचारी वगैरह सब चुनते हैं और जो वोटर है वो चुनता है। तो ये जो परसेंटेज कम होना, ये लोकतंत्र के लिए तो अच्छा नहीं मानेंगे हम लोग, लेकिन ये बीजेपी के लिए भी थोड़ा खतरे की घंटी साबित हो रहा है, क्योंकि वो जो वोटर जो शहरी वोटर जिसको कहते हैं कि वो बीजेपी का ज्यादा है वो नहीं निकल रहा है, तो कुछ स्थिति गड़बड़ है, भयावह है। इसके मतलब जो लोग कह रहे हैं कि आंधी चल रही है, लहर चल रही है, वो शायद परिवर्तन हो, और हम लोग कहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। देखिए वही अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं राजेंद्र जी, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरह से मतदान हो रहा है और अगले चरण की तैयारियों को लेकर जो सियासी दिग्गज इस वक्त मैदान में हैं, वो दावा पेश कर रहे हैं कि हम जीत की ओर अग्रसर हैं, पिछली बार से ज्यादा इस बार जनता का रुझान हमारे पक्ष में देखने को मिल रहा है। मतदान प्रतिशत की अगर हम बात करते हैं तो मतदान प्रतिशत में वो कहते हैं कि अब तक हम करीब बढ़त बना चुके हैं, इतनी लंबी बढ़त बना चुके हैं कि हम पिछली बार का आंकड़ा लगभग पार कर चुके हैं और अब बस उसमें कह सकते हैं कि कुछ ही कमी बाकी रह गई है। तो किस प्रकार से आप देख रहे हैं, किस पार्टी का वर्चस्व ज्यादा दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के दावे पेश कर रही है, क्या उनकी सच्चाई है? जी, देखिए सब राजनीतिक पार्टियां हैं, अपने-अपने दावे करती है, इसमें दावे करने में कोई गलत नहीं है, लेकिन एक होता है हकीकत और जो जनता का ट्रेंड देखना। बीजेपी के बहुत से नेता, आप वीडियो भी वायरल हुए, तो आप सोशल मीडिया का जमाना है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, वो तुरंत कोई भी चीजें लीक हो जाती है और तुरंत अब एकदम वायरल हो जाती है। तो देखिए, चाहे स्मृति ईरानी जी की रोड शो ले लें, चाहे अमित शाह जी का रोड शो ले लें, इतने बड़े बड़े नेताओं के रोड शो में लोग नहीं आ रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं कि नहीं ये तो फ्लॉप हो गया, तो इसको हटाओ, इस तरह की बंद करो, स्मृति जी नाराज होकर चली जाती है कानपुर से रोड शो से, तो ये बता रहा है। बहुत सी जगह रैलियां कैंसिल हो जा रही हैं। देखिए, जब से पहले जो रैलियां पश्चिम से माननीय मोदी जी की जब रैली कैंसिल हुई, तो माहौल वहां से बनने लगा। वहां चलिए किसान बहुत बड़ा फैक्टर था, तो ये उम्मीद कर रहे थे कि इस तरह की बात आएगी, पश्चिम जो है पश्चिम में बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और वो बात सही भी हुई, और वो नुकसान की भरपाई शायद इस चौथे चरण या कहीं से या पांचवें चरण आगे वाले चरणों में करें, लेकिन ऐसा अब नहीं दिख रहा है। अब लोग एकदम परिवर्तन के मूड में दिखाई दे रहे हैं,
और देखिए बीजेपी तो हमेशा दावा करती है, पश्चिम बंगाल में भी वो 300+ जीत रहे थे, ठीक है, या जो उनको अपना आंकड़ा बता रहे थे, जो भी जितना भी आंकड़ा बता रहे थे, एग्जैक्ट मुझे नहीं फिगर याद है, लेकिन अभी भी 300+ बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी और गठबंधन भी 300+ बोल रहा है, बसपा बहुजन समाज पार्टी भी अपना दावा कर रही है, तो राजनीतिक पार्टियां अपना अपना दावा करती हैं। इसके बाद जो असेसमेंट होता है वो एक्चुअल जनता का वोट, जो जनता जनार्दन है, वही वो चुनाव करेगी, वो किसके पक्ष में है। तो ज्यादातर क्योंकि मैंने बताया कि पुरानी पेंशन का मुद्दा कर्मचारियों से संबंधित है, तो उनके पूरे परिवार के वोट से लेके एक माहौल क्रिएट हुआ है, एक माहौल बनाने में पुरानी पेंशन बहुत बड़ा योगदान हुआ। और देखिए मैं दावा कर रहा हूं इस चैनल में आपके प्राइम टाइम के माध्यम से, कांग्रेस ने शुरुआत कर दी है राजस्थान में, वो अपना जो भी उसने राजनीतिक फायदा देखा हो या वो नहीं देखा हो और लोगों की या समस्याओं के लिए संवेदनशील हुआ हो, कांग्रेस ने राजस्थान में किया। कांग्रेस की सरकार अभी जहां जहां है, जहां गठबंधन के साथ हो, छत्तीसगढ़ में उनकी है, तो छत्तीसगढ़ में बहुत जल्दी ही देखिएगा निर्णय आएगा कि वहां भी पुरानी पेंशन की बहाली होगी। इसके बाद आप महाराष्ट्र में जो गठबंधन है, महाराष्ट्र के लोग भी डिमांड कर रहे हैं, पूरे देश अलग अलग प्रदेशों में भी पेंशन के लिए इतने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं कि नहीं, नई पेंशन जो आप लोगों ने लागू की थी वो निहायत ही बेकार है, इसमें कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, हमको जो पुरानी सुरक्षा है, हमारी जो पुरानी पेंशन है जिसमें पारिवारिक पेंशन भी शामिल है, उसको ऐसी जैसी थी वैसे उसी रूप में बहाल किया जाए। राजस्थान ने इसी दबाव में कदम उठा दिया है, फर्स्ट बॉल उन्होंने खेल दिया है। इसके बाद देखिए कांग्रेस यदि दूसरे राज्यों में करती है, अपने अन्य राज्यों में उनको करना पड़ेगा, अब राजनीतिक मजबूरी भी हो गई है कांग्रेस की, तो वो करेगी। और इसी के देखा देखी 24 तक देखिए केंद्र को भी पुरानी पेंशन का मुद्दा इनको सबसे अग्रणी मानना पड़ेगा और पुरानी पेंशन लागू करनी पड़ेगी, चाहे ये जितना कहे कि संभव नहीं है, चाहे जितना वो कहे संभव, तो इनके लिए तीन जो किसान कानून थे, कृषि कानून थे, वो भी नहीं वापस लेना पॉसिबल था। लिए ना, लोकतंत्र में लोगों का क्या मत है, लोग क्या चाह रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डेमोक्रेसी इसलिए लोगों के हिसाब से चलनी चाहिए, हम क्या सोच रहे हैं ये नहीं, बहुमत क्या सोच रहा है, ज्यादातर लोग का क्या सोच रहे हैं, उसके हिसाब से राजनीतिक एजेंडे सेट होते हैं, उसी के हिसाब से मुद्दे सेट होते हैं और उसी प्रक्रिया में चुनाव भी जाते हैं। देखिए बीजेपी का जो सबसे ज्यादा डैमेज जो किया है वो हुआ कि वो जो उनका एक सबसे प्रमुख मुद्दा होता था हिंदू मुस्लिम, जिसको वो डिवाइड करते हैं कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा किसी तरह से उभर जाए, मंदिर मस्जिद का मुद्दा किसी तरह से आ जाए, तो लोगों ने इस मुद्दे को नकार दिया। ये बड़ी आश्चर्यचकित बात है कि लोगों ने इस मुद्दे को नकारा, क्योंकि 5 साल में किसान का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, पुरानी पेंशन का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा और जो सबसे एक और जो क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में जो सांड का मुद्दा, छुट्टा पशु, आवारा पशुओं का मुद्दा, ये लोग जो दिनचर्या में आपसी दिनचर्या में जैसे सामना कर रहे हैं और जिनसे नुकसान हो रहा है, अब लोग ये कह रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा, ये कह रहे हैं ये लोग कि 5 किलो हमको अनाज नहीं चाहिए, 5 किलो अनाज से आप हम 5,000 का नुकसान कर रहे हैं, आपके 500 रुपए के राशन से हमको 5,000 का नुकसान हो रहा है और हमको रात भर जानवरों की देखभाली करनी पड़ रही है, इसके बाद भी चूक हो रही है तो पूरा खेत के खेत नष्ट हो जा रहा है। और ये मुद्दा बड़ा प्रभावी है, इसके पहली बारी रैली में नरेंद्र मोदी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को ये बोलना पड़ा कि हम आवारा पशुओं का नियंत्रण नहीं कर पाए, उसके लिए कुछ व्यवस्था करेंगे। तो ये एक ऐसे मुद्दे हैं कि आपको आना ही पड़ेगा। आपका राष्ट्रवाद एक समय तक ठीक है, आपका हिंदू मुसलमान एक समय तक ठीक है, जब आपको वोट मिला था तो ये आपके बड़े अच्छे मुद्दे थे, लेकिन यही अब आप जनता कह रही है कि नहीं, इनको हटाइए, अभी जो हमारे प्रमुख मुद्दे हैं, बेरोजगारी की समस्या है उसको दूर कीजिए, किसानों की जिंदगी, किसानों की लाइफ, किसानों की आय दुगनी कैसे हो उस पर बात कीजिए, पुरानी पेंशन को जल्दी से जल्दी आप लागू कीजिए, जो महिला सुरक्षा का मामला है उसको लागू कीजिए आप, और डेमोक्रेसी में संवाद स्थापित कीजिए। कि सरकारों ने जो सुनना बंद कर दिया था, जगह जगह आपको सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है कि नेता जा रहे हैं वो माफी मांग रहे हैं, उठा बैठक कर रहे हैं कि माफ कर दीजिए, 5 साल से हमने नहीं आपका ध्यान दिया, हम नहीं कुछ कर पाए, तो इस तरह की जो बातें निकल के आ रही हैं वो यही है कि जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश है और वो परिवर्तन चाहती है, और मुद्दों पर यदि राजनीति होने लगेगी तो वो अल्टीमेटली सबके लिए फायदेमंद होगी। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि मुद्दों की राजनीति होना चाहिए, जो लोगों से संबंधित मुद्दे हैं, जो जन सरोकार से संबंधित मुद्दे हैं, उस पर राजनीति होगी, हमारा लोकतंत्र अच्छा बनेगा, देश सुदृढ़ होगा, प्रदेश सुदृढ़ होगा।
जी जी राजन जी, जिस तरह से कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की आपने बताया कि उनकी तरफ से कुछ कमी रह गई थी, जहां पर वो विफल होते साबित हो रहे हैं, वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें, चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में, इस वक्त सभी की नजरें जो है वो सियासी दलों पर है और उनके दिग्गजों पर है, ऐसे में हर सियासी दल के हर दिग्गज की ये प्रयास रहना चाहिए कि उनका हर एक कदम जनता की नजरों में है। सोशल मीडिया का जमाना है, जनता अब सब देख रही है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी लगातार कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर हमलावर होती दिखाई दे रही है, कह रही है सपा सरकार आएगी तो कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में हम काम करेंगे, जो हम 2017 से पहले कर रहे थे। 2017 से पहले के कई सारे जो मामले हैं वो हम सभी के सामने, हम सभी ने देखा किस प्रकार से कानून व्यवस्था की कई मौकों पर धज्जियां उड़ाई गई थी। वहीं दूसरी तरफ लगातार रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, कई तरह की खबरें आती हैं, हम लोग खबरों में देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो झड़प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद करहल सीट पर बूथ कैप्चरिंग का जो है वो मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद आज वहां पर पुनर्मतदान कराने की भी जो है वो स्थिति बन गई थी, आरोप समाजवादी पार्टी पर लगता है। लगातार रैलियों में भी अखिलेश यादव की कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां पर वो कह सकते हैं कि सपा प्रत्याशी के साथ या फिर सपा कार्यकर्ता के साथ में बदसलूकी करते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह की तस्वीरें जब निकलकर सामने आती हैं, कैसे देखते हैं आप, जहां एक तरफ आप जनता के सामने बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादों की पेशकश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से आपकी इस तरीके से तस्वीरें वायरल होना, कैसे देखते हैं इसको? जी, किसी भी पार्टी के बड़े नेता की या कोई भी छोटा नेता भी हो, पार्टी से जुड़ा हो, किसी भी राजनीतिक विचारधारा का आदमी हो, यदि इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, देखिए कभी कभी ऐसे समय बड़ी घटनाएं राजनीति से भी प्रेरित होती हैं, इन सब का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जब कहीं कहीं ऐसा सुनने में आता है, जैसे आज ही आपको ये पूरा हुआ कि लखीमपुर के दो चार बूथों में मशीनें एकदम पूरा, वो मॉक ड्रिल में भी और उसमें भी पूरा देखा गया कि 2 घंटे तक खराब रही, और जब भी पर्ची डाल रहे थे लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का बटन दबा रहे थे तो भाजपा की पर्ची निकल रही थी। इनकी सत्यता क्या है, इनकी सुनवाई क्यों नहीं होती है? हो सकता है हम कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही हो आप पे, चुनाव आयोग को तो निष्पक्ष रूप से एक बार जांच कर लें। देखिए हम चुनाव आते जाते रहेंगे हर 5 साल में, लेकिन संस्था जो संवैधानिक संस्था है, खासकर चुनाव आयोग जैसी संस्था जिसको इतने अधिकार हैं, वो उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी जो वैधता है और उसकी जो शुचिता है वो डाउन पे नहीं आनी चाहिए। और हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है सभी लोगों की, पहली बार चुनाव आयोग इतना कमजोर है कि वो कुछ नहीं कर रहा है। चाहे कोई भी पार्टी यदि आपको खिलाफ कंप्लेन करता है, चाहे लखनऊ के मामले हों, लखीमपुर के मामले हों और भी कई जगह से आए, तो ये सब मामले में चुनाव आयोग क्या कर रहा है, इसलिए आपको चुनाव आयोग को बनाया गया, क्या बैकअप प्लान है आपका, कैसे आप लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, कैसे उसकी सुरक्षा करेंगे, तो ये सब मुद्दे चुनाव आयोग को देखने चाहिए, तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए। आजकल तो इतना हाईटेक टेक्नोलॉजी का युग है कि आपका बैठे बैठे तुरंत असेस हो जाएगा क्या कैसा है क्या नहीं है, इसके बाद उसका स्पष्टीकरण जारी करें, तुरंत एकदम आप जनता को बताइए, दूध का दूध पानी पानी, पानी का पानी, कि क्या गलत था क्या सही था, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, ये चुनाव में यदि कोई मशीन खराब थी तो ठीक तो क्यों थी, उसको कब बदल दी गई, ये सब जब आपकी जवाबदेही तय हो जाएगी और जब आप जनता को तुरंत एड्रेस करेंगे तो उसको समाधान मिलने लगेगा, तो लोगों में विश्वास होगा कि नहीं, चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है, सही से काम कर रहा है, वो किसी सरकार का और किसी पार्टी का कोई एजेंट के रूप में या गुलाम के रूप में काम नहीं कर रहा है। तो संविधान चुनौती है ये, तो चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग को अपनी शुचिता बरकरार रखने की, उसकी इंटीग्रिटी में इतने ज्यादा क्वेश्चन है कि कभी इतने प्रश्न नहीं उठ के आए। तो ये हम लोग अच्छा नहीं मानते हैं इसको, कि चुनाव आयोग जैसे निष्पक्ष संस्था को पीएन सेशन का जमाना याद रखते हैं, तो आपके ऊपर इतने प्रश्न रहे हैं उनका जवाब दीजिए, आप जनता के बीच में जाइए कि ये था, ये मामला आया, ये कंप्लेन आई, इसका जवाब ये है। आप जब तक उत्तरदायित्व अपना नहीं निभाएंगे तब तक लोग आपको शक के दायरे में रखेंगे, और आप पे और ईवीएम पे शक होगा, आपकी प्रणाली पे शक होगा। जी, चुनाव आयोग पर हम जिस प्रकार से कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर इस तरह के आरोप लगते दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस प्रकार कोई भी अभी तक प्रमाण निकलकर सामने नहीं आया कि इस तरह की चीज चुनाव आयोग के द्वारा की गई है। पर मेरा सवाल था, समाजवादी पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, लगातार इस तरीके की क्लिप वायरल हो रही है जहां पर कार्यकर्ता मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते दिखाई दे रहे हैं, खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की कई ऐसी फोटो वायरल हुई जहां पर वो अपने कार्यकर्ता या फिर सपा प्रत्याशी के साथ में कह सकते धक्का मुक्की करते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर उनके साथ में अभद्र व्यवहार करते दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके की तस्वीरें जब निकलकर सामने आती है, सपा का समर्थन करने वाले लोगों के लिए किस प्रकार से ये छवि बनाते हैं या फिर जो जनता उन्हें देख रही है
वो किस प्रकार से ऐसे नेता पर भरोसा जताएगी जो अपनी ही पार्टी के अंदर इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं? देखिए, वो तो जनता के ऊपर आप छोड़िए, और हम लोगों को जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि क्या सही है क्या नहीं है, उसका निर्णय जनता बहुत कर लेती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, यदि समाजवादी पार्टी के कुछ इस तरह से लोग आए हैं, कुछ घटनाएं हुई हैं, सबकी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी की ही आलोचना हो। जब बीजेपी का कोई नेता ऐसा करे उसके लिए वो पाकताप हो जाए, तो ये गलत है। हम लोग इस प्रक्रिया का विरोध करते हैं कि होना चाहिए तो दोनों तरफ बराबर, कि आप जब माननीय गृह मंत्री जी मंच से, इतने बड़े मंच में पुलिस वाले को एक हिसाब से गाली देके संबोधित कर रहे हैं, ए जवान तो हट जा यहाँ से, तू बैठ जा भाई, इस तरह से, तो इस तरह की लैंग्वेज में जब भाषा का प्रयोग जो होता है वो एक आदमी की गरिमा को, उसकी इंटीग्रिटी को, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। तो जब आप पद पर हैं, देखिए, जब आप कोई गवर्नमेंट चला रहे हैं और ऐसे पदों पर हैं, तो आपका उत्तरदायित्व ज्यादा होता है कि आपके हाथों से, आपके मुंह से कुछ ऐसी बात ना निकले जिसका जो प्रभाव है वो बहुत दूर तक पड़े। आप विपक्ष में रहकर आप उसको माफ कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, आलोचना के लिए सबको आलोचना करने का अधिकार है, और सब आलोचना को स्वीकार भी करना चाहिए यदि सही मामले में आलोचना हो रही है। तो इस तरह की यदि वीडियो वायरल हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी के हों चाहे भाजपा के हों, दोनों पार्टियों की आलोचना होनी चाहिए। यदि वो इस तरह में कुछ सच्चाई है उसकी जांच होनी चाहिए। इस तरह की भाषा यदि प्रयोग जानबूझ के कर रहे हैं तो उसकी निंदा होनी चाहिए। बस ये हमारा कहना है कि जरूर निष्पक्ष रूप से सभी का होना चाहिए, सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। कि आप सत्ता दल के हैं तो आपके साथ दूसरा एडवांटेज है, आप विपक्ष में हैं तो आपको हर चीज के लिए आपको दोषी ठहराया जाएगा, तो ये भी नहीं होना चाहिए। जी, वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ राजेश जी देखते हैं, अगर हम जनसभाओं की ही बात कर रहे हैं, जनता के बीच मुद्दे जो है वो महंगाई का है, बेरोजगारी का है, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि किसानों का मुद्दा है, छोटा जानवरों का मुद्दा है, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जहां पर बातचीत होनी चाहिए, और इस पर चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो उन्हें अपना अपना पक्ष रखना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सबके सियासी बयानों पर नजर डालें, चाहे सत्ताधारी भाजपा हो चाहे सपा हो कांग्रेस हो, बयानों के अगर हम उनको देखें, अगर उन्हें शब्दों की मर्यादा पर तौल कर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं दुख होता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कहां से कहां पहुंच चुकी है। जहां बात हमें बेरोजगारी की करनी चाहिए, वहां आज हम बात एक दूसरे की चर्बी और गर्मी उतारने की कर रहे हैं। जहां एक तरफ हमें आज बात करनी चाहिए कि गरीब परिवार जो है वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करने को मजबूर है, कोरोना काल में जिस प्रकार की स्थिति थी, ऑक्सीजन नहीं था, हम उन मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, हम राम मंदिर की बात करते हैं, 370 हमने हटाई है, या फिर महिलाओं के साथ में इन्होंने कह सकते 370 ना हटा के महिलाओं की बेइज्जती की है, ये परिवार वाले नहीं है, ये परिवार वाले ना होके किस प्रकार से उत्तर प्रदेश चलाएंगे, इस प्रकार की भाषा जब आप देखते हैं, कैसे देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश की राजनीति, जो अहम मुद्दे हैं, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनसे छटक कर जातिवादी और कह सकते अमर्यादित भाषा पर आ चुकी है, कैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी आप देख रहे हैं इस वक्त? जी मैडम, और आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, इसके लिए आपको साधुवाद कि आपने कम से कम मुद्दे लाए। देखिए, ये सब जो कोई भी भाषा किसी भी पार्टी का हो, मैं बार बार कहता हूं कि जब लोकतंत्र में आप अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं तो एक कतई अच्छा नहीं है, और जब आप जनप्रतिनिधि हो, ठीक है। अब हम केवल ये भी कहना चाहता हूं कि केवल उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है, आजकल चुनावों का एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ, पश्चिम बंगाल का उदाहरण ले लीजिए, पश्चिम बंगाल में कैसी भाषा प्रयोग हो रही थी, ठीक है। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आप गर्मी, चर्बी, शमशान, कब्रिस्तान, मियाँ जान, अब्बा जान, ठीक है, ये जो भाषाएं हैं, गिन्ना गन्ना, ठीक है, आपको हम बना देंगे आतंकी, अरे पार्टी सिंबल को आतंकी बोल दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसके बाद में उनको रिलाइज हुआ होगा, उन्होंने वापस किया, मतलब वापस एक्चुअली ऑफिशियली नहीं किया लेकिन खुद कभी बोले नहीं, समाजवादी पार्टी ने भी उसकी आलोचना की। तो इस तरह की भाषा हो सकता है जो उसमें निकल जाती हो, लेकिन यदि आप मान लेते हैं तो ये अच्छी बात है। देखिए, एक बड़ा अच्छा माननीय राजनाथ जी ने जब उनकी रैली हो रही थी तो लड़के कुछ जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, पुलिस ने तुरंत पकड़ लिया, भाई प्रोटोकॉल होता है पुलिस का, तो उन्होंने राजनाथ जी ने स्टेज से कहा कि नहीं, बच्चों को छोड़ दीजिए, उनकी भावनाएं हैं जो आ गया उनके उनके मन में, तो इस तरह की राजनीति भी पसंद करनी चाहिए कि नहीं, कि आप जबरदस्ती किसी को नहीं फंसाइए, जबरदस्ती किसी पे आरोप नहीं लगाइए, किसी को आपने एकदम पूरा आपने बता दिया कि वो खानदानी आतंकवादी है, ये कौन सी प्रक्रिया है, कौन से देश में हम लोग रह रहे हैं? जब आपने कहा कि साइकिलों से बम धमाके हुए तो ये कौन सी भाषा यूज कर रहे हैं आप? उस समय सरकार कौन सी है? आप ही की सरकार थी,
आप वहां के मुख्यमंत्री थे, जो आज प्रधानमंत्री जी हैं, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आपने क्या उस समय कर लिया? आपका तो सबसे ज्यादा फेलियर था उस समय कि सिस्टमेटिक आपने कई मतलब एकदम लगातार बम धमाके हुए, एक एक, एक सीक्वेंस में बम धमाके हुए, तो ये फेलियर था होम मिनिस्ट्री का और आपका, आप उस समय के मुखिया थे। इसके बाद आप करें मतलब कोई भी चुनाव मुद्दों को, क्योंकि जनता ने इस तरह के मुद्दे अब धीरे धीरे उस सबसे दूर होने लगी है और अब उसको चिड़ मचने लगी है कि नहीं ये सब हो गया जितना होना था, अब सही में हकीकत में रोजमर्रा के मुद्दे हैं, जो जिंदगी से संबंधित मुद्दे हैं हमारे, हमको कोरोना में ऑक्सीजन नहीं मिली, मेरा घर का कोई परिवार का कोई आदमी रिश्तेदार मेरा नातेदार मेरा घर का बिछड़ गया, मुझे वो दर्द है, वो अव्यवस्थाओं से मुझे दर्द पैदा होगा कि हमने संस्था क्यों नहीं बनाए, हमने हॉस्पिटल में स्वास्थ्य का बजट क्यों नहीं बनाया, हमने शिक्षा में अच्छा कार्य क्यों नहीं किया। तो ये मुद्दे हैं, आप देखिए हर चीज को आप नकारते ही रहे कि नहीं आप जो करेंगे हम वही कहेंगे, हम डेवलपमेंट डेवलपमेंट चिल्ला रहे हैं। अब बताइए आप भी लखनऊ में होंगे, लखनऊ में रहती होंगी, देखते होंगी जब ये मेट्रो बनी तो सब लोगों ने बड़ा स्वागत किया, इसके बाद 5 साल में बीजेपी ने 1 इंच मेट्रो बनाई, विकास इसको कहते हैं, नहीं बनाई। आपने कानपुर में वादा किया आपने नहीं बनाया, तो जनता नाराज नहीं होगी तो क्या करेगी? आप क्या बोल रहे हैं? किसानों ने बात नहीं पहुंचाई अपने कि हम छुट्टा जानवरों से परेशान है, हर डीएम कार्यालय में आप हर जिले के डीएम कार्यालय देखिएगा, एप्लीकेशन है कि एप्लीकेशन है, प्रार्थना पत्र भरे पड़े हैं कि हमको इससे सुरक्षा दी जाए, लोगों ने अपने लोन ले लेके बाढ़ लगवाए तार लगवाए किसानों में, लेकिन उसको भी जब जानवर आते हैं घटते तो वो भी तोड़ देते हैं, बहुत अच्छी तरह से नहीं व्यवस्था करेंगे तो उसका भी नुकसान हुआ, लोगों का खेती का नुकसान हुआ, तो वो क्रोध कहाँ जाएगा? जाड़े के रात भर बेचारे वो रक्षा की अपने कि जानवर ना घुस जाए, पूरी मेहनत 4 महीने की 2 महीने की बीज का खाद का पानी का पूरी मेहनत सब ना बर्बाद चली जाए, तो वो क्रोध कहीं ना कहीं आएगा और वो क्रोध कहाँ पर लक्षित होगा? डेमोक्रेसी में एक ही रास्ता होता है, वोट। जिस दिन आपका वोट होगा उस दिन आपको दिख जाएगा, और शायद इसलिए बहुत सब मुद्दे होके एक ऐसी एक लहर टाइप की चल सकी है, चाहे वो बेरोजगारी के सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई इस समय उत्तर, न केवल उत्तर प्रदेश में पूरे देश में इतनी ज्यादा बेरोजगारी भारत जब से स्वतंत्र हुआ है उसके बाद कभी नहीं रही। इसको एड्रेस आपको करना ही पड़ेगा। आपने निजीकरण इतना ज्यादा कर दिया कि आप नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं, तो ये आपकी जो नीतियां हैं उसको आपको पुनर्विचार करना ही पड़ेगा। जो सब वर्तमान सरकार है यदि पुनर्विचार नहीं करती है तो यही भारत देश की जनता ने बड़े बड़े समय देखा है, बड़े बड़े नेताओं को देखा है, सबको मिट्टी में मिलाते ही देर नहीं लगती है। आपको अर्थ में भी और फर्श में भी, दोनों जनता ही काम करेगी, आपको आसमान में चढ़ा देगी और आपको फर्श में भी मिला देगी। जी, तो भारत का इसलिए लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, मुद्दों पर बात होने चाहिए, जनता के मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, वही सबसे लोकतंत्र के लिए और हम सबके लिए अच्छा है। जी राजेश जी, जिस प्रकार से अगर हम देखें तो इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में सिर्फ 2 ही दल दिखाई दे रहे हैं जिनके बीच कांटे की टक्कर है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। उसके उलट अगर हम देखें तो एक वक्त था जब बहुजन समाज पार्टी का एक अच्छा वर्चस्व उत्तर प्रदेश में देखा जाता था, जो धीरे धीरे अब कम होता दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस आई, 40% कह सकते हैं महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई, कहा गया उनके लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी, महिलाओं के लिए उन्होंने दावे ही दावे कर दिए और बहुत सी स्कीम लाई नारी शक्ति को लेकर, जहां पर उन्होंने कहा कि हम महिलाओं के ऊपर कह सकते हैं कि इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। आम आदमी पार्टी आती है उत्तर प्रदेश में, आम आदमी पार्टी पहली बार यहाँ पर दावेदारी पेश कर रही है और दावेदारी पेश करते हुए दिल्ली मॉडल को सामने रख के कह रही है कि देखिए भाई दिल्ली में तो हमने बहुत विकास किया है, हमने बहुत सारी चीजें फ्री कर दी, हमने बिजली फ्री कर दी है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर भी अच्छी सुविधाएं दे देंगे। बावजूद इसके ये सारी जो स्कीम है, चाहे महिलाओं का महिला सशक्तिकरण हो गया हो या फिर फ्री की राजनीति हो, अब ये साइड हो चुकी है। 2 दल हैं जो इस वक्त मैदान में, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। बाकी दलों की कमी किस प्रकार से आप देखते हैं, उनके तैयारियों में क्या कमी रह गई और किस वजह से वो इस वक्त पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है? देखिए बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन भी किया है और ये सच्चाई भी है कहीं ना कहीं। केवल बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के लिए केवल मैं थोड़ा सा कहूंगा कि आप उसको इतना कम भी मत आंकिएगा। जी ठीक है, बीएसपी एक ऐसी पार्टी है कि उसका मिनिमम वोट और उसका बेस वोट बैंक कहीं जाता नहीं है। विनिंग पोजीशन पे वो कितना प्रभाव डालेगा कि सीटें कितनी निकलती हैं दूसरी पार्टी और दूसरा कास्ट इक्वेशन का, रिलीजन इक्वेशन का, क्या उसको वोट मिलता है कि नहीं मिलता है, कितना मिलता है, कितनी सीटें आती हैं, लेकिन उसको अंडरमाइन करके मत चलिएगा। हाँ, अभी प्रमुख रूप से 2 पार्टियां दिखाई दे रही हैं और लेकिन
समाजवादी पार्टी गठबंधन इसलिए थोड़ा सा और लहर बनाने में कामयाब हो गया कि उसने थोड़ा पहले से स्ट्रेटजी बनाना शुरू किया और उन मुद्दों पर काम करना शुरू किया, जिसमें मैं अखिलेश यादव जी को बहुत साधुवाद भी देता हूं कि चलिए कम से कम वो मुद्दों पर राजनीति लेके आए, उसके लिए उनका सम्मान होना चाहिए, उनकी बाय-बाय भी होना चाहिए। क्यों? जैसे जो कॉलेशन बीजेपी ने बनाया था आपको याद करिए, चाहे छोटे छोटे आधार जन जिसको कहते हैं नॉन यादव लोग हों, उनकी पार्टियां हों, जो बीजेपी ने काम किया था वो इस बार समाजवादी पार्टी ने पहले कर दिया। चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, किसान पार्टी हो, और चाहे जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आना हो, और भी चाहे दद्दू प्रसाद जी का हो, और कई ऐसे कई लोग हैं जो जुड़े, और जुड़े इसके बाद पेंशन कर्मचारी वर्ग उससे जुड़ गया, पेंशन के मुद्दे पे इतना ज्यादा जुड़ा है आप विश्वास करिएगा, 90% से ऊपर कर्मचारी इस बार एक तरफा कि हमको पुरानी पेंशन के लिए वोट करना है, और जिस पार्टी ने अपने एजेंडे में लागू कर दिया, और ये जिसने भी समझाया हो माननीय अखिलेश जी को, ये उन्होंने इसको अपने चुनावी घोषणा पत्र में ले आए, इससे इनका इतना बूम उठा है, आप इसको देखिएगा 10 तारीख के बाद कि क्या प्रभाव डालेगा। तो पुरानी पेंशन का मुद्दा, बेरोजगारी का था ही था, किसान का और जो साण का मुद्दा, ये इतना ज्यादा इकट्ठे होके तो फिर लोग ये देखने लगा कि आखिर कौन बदलेगा पार्टी, कौन सत्ता परिवर्तन कर सकता है, तो लोग देखने लगे नहीं कि गठबंधन ज्यादा स्ट्रांग है, तो जो ना चाहते हुए भी कि हम अभी थोड़ा सा वोट नहीं बर्बाद करेंगे, इसलिए थोड़ा बिखराव हुआ कुछ परसेंटेज के वोट में, जो हो सकता है बहुजन समाज पार्टी को मिलता उसमें थोड़ा सा बिखराव हुआ, जो मुझे प्रतीत होता है। लेकिन इसके बाद में मैं कहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी अभी भी कम नहीं है, वो हो सकता है सेकंड पार्टी आ जाए, सेकंड पार्टी बन जाए, जो बीजेपी के खिलाफ इतना जो चल रहा है जनाक्रोश कि बहुजन समाज पार्टी सेकंड पार्टी के रूप में उभर के आ जाए, ये हो सकता है। देखिएगा लोग आप लोग स्वीकार करने के लिए इसको तैयार नहीं होंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हाँ सब लोग ये सोचे, कांग्रेस जो राजनीति कर रही है, कांग्रेस अपना 24 को लेकर राजनीति कर रही है, उसके भी वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस पार्टी का बढ़ना चाहिए, जो मुझे लगता है जब से उन्होंने प्रियंका को उतारा है लोग और भीड़ होने लगी है, उन्होंने अपनी जो संवेदनाएं लोगों के प्रति जगाई, प्रियंका गांधी जी उनको लोग उनकी रैलियों में आ रहे हैं, लोग उनसे जुड़ रहे हैं, उनसे अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं, अपना दुख दर्द बांट रहे हैं, और वो आत्मीयता के साथ जो मिलती है जनता के साथ, वो भी इनका एक पॉजिटिव पक्ष है और भावात्मक पक्ष है, जो कांग्रेस को निश्चित रूप से भले ही चुनाव में फायदा ना दे, आगामी चुनावों में कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ेगा, और ये हो सकता है 24 में परिवर्तन का एक सूत्रपात भी करे। जी, वहीं पर अगर हम देखते हैं इस बार का चुनाव देख रहे हैं, तो कई उत्तर प्रदेश के ऐसे दिग्गज नेता थे जो चुनावी मैदान में थे, बहुत कांटे की टक्कर इस बार मानी जा रही थी। लखनऊ की अगर हम सीटों पर बात करते हैं तो ब्रजेश पाठक, आशुतोष टंडन जैसे बड़े बड़े नाम जो हैं वो चुनावी मैदान में थे, अनुराग भदौरिया हो गए सपा से, वो भी चुनावी मैदान में थे, नितिन अग्रवाल, राकेश सिंह, अमरपाल मौर्य, मनोज पांडे, अभिषेक मिश्रा जैसे कई दिग्गज नेता जो इस बार चुनावी मैदान में थे, आदित्य सिंह भी इस वक्त चुनावी मैदान में थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, रायबरेली विधानसभा सीट से वो चुनावी मैदान में उतर गई थी। कैसे देख रहे हैं इस बार का चुनाव जो है, जो इतने हम नाम अगर हम मैं लूं तो काफी कम पड़ जाएगा क्योंकि लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है। लखनऊ की तो सभी सीटों पर आप मान लीजिए कि कांटे की टक्कर है, 19-20 हो सकता है, और कह सकते हैं कि वोटिंग परसेंटेज भी इस बार कम है, तो जो इस बार का चुनाव होने वाला है लखनऊ में तो बेहद दिलचस्प होने वाला है। वहीं आसपास की अगर हम बात करते हैं तो रायबरेली में भी कांटे की टक्कर होती दिखाई दे रही है, लखीमपुर खीरी में भी इस वक्त सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज वहां पे सबसे ज्यादा वोटिंग देखी गई है, 62% वहां पर अभी तक 5 बजे तक मतदान हुआ था, और भी वहां पर बढ़ने की संभावना है। ऐसे में जो ये कह सकते हैं दिग्गज जो थे जिनकी साख इस वक्त दांव पर थी, वोटिंग परसेंटेज डाउन रहा है, तो किस प्रकार से इसका असर जो है वो मतदान पर दिखाई दे सकता है, या फिर उनकी हार जीत पर इसका असर किस प्रकार से प्रभावी रहेगा? जी पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, और खासतौर से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनकी हार जीत पर प्रभाव पड़ने की संभावना ज्यादा हम लोगों को प्रतीत हो रही। देखिए जो अवध का गढ़ खासतौर से लखनऊ से संबंधित जितना है, ये बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग जोन माना जाता था जी, अभी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि सपा गठबंधन यहां पर सेन लगाने में कामयाब हो जा रही है, वो 4 से 5 सीट दावा कर रही है कि हम 9 सीटों में 7 सीटों से 4 से 5 सीट जीत सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहां पे ये लखनऊ जैसा गढ़, जहां पे ज्यादातर लोग कहते हैं कि पढ़ा लिखा मतदाता है,
बुद्धिजीवी है, समझता है सब चीजों को, ठीक है, वो बीजेपी को इस बार बहुत नुकसान कर रहा है। मैंने बार बार कह रहा हूं कि कर्मचारियों को आप बिल्कुल अंडरमाइन मत करिए, कार्मिकों ने जो भूमिका निभाई है इस बार कि बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान जो करेगी वो पुराने पेंशन की योजना करेगी। आप जो जो उन्होंने भले ही अपने बचाव में जो बयान जारी किए बार बार, केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री थे, आप बोल रहे हैं कि नहीं पेंशन पुराने पेंशन कोई मुद्दा नहीं है। माननीय दिनेश शर्मा जी ने कहा कि नहीं हो ही नहीं सकता, बहुत से बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि हो ही नहीं सकता, फिर कैसे हो गया? आपके सामने गहलोत सरकार ने करके बताया, आज ही घोषणा हुई है कि हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में भी देखिएगा आप हो जाएगा, पूरे देश में करना पड़ेगा। तो आप इस तरह की असंभावना बता दें कि असंभव है कोई चीज, कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे होते हैं जो जनता सरोकार से जुड़े मुद्दे होते हैं होते हैं। और देखिए जो लखनऊ में जो इतने बड़े बड़े आपने लोगों ने नाम लिए, जब लेकिन लहर का और परिवर्तन का जब दौर चलता है ना तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे विकट, जब मोदी जी का जब लहर चल रही थी तो कोई सोच नहीं सकता था कि कैसे कैसे लोग हार जाएंगे, जब इंदिरा गांधी जी की लहर चल रही थी तो कोई सोच नहीं सकता था कि ये लोग भी हार जाएंगे। तो सब एक लहर का और एक माहौल का फर्क पड़ता है, कौन उस परिस्थिति को अच्छी तरह से भुना लिया वही राजनीति है। उस परिस्थितियां आपके अनुरूप ढल गई तो आप राजनीति में क्लिक कर जाएंगे, आपके अनुरूप नहीं रही तो आप राजनीति में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो परिस्थितियों का खेल है राजनीति, और राजनीति की जो परिस्थितियां हैं ये अनुकूल हैं, इस समय गठबंधन समाजवादी पार्टी के अनुकूल है, उनके मुद्दों के अनुकूल है, इसीलिए हम लोग परिवर्तन देख रहे हैं कि परिवर्तन होगा। और 10 तारीख को जो हम लोग सोच रहे हैं कि बड़ी बंपर मेजोरिटी के साथ सरकार बननी चाहिए, अब देखिए बाकी तो लोगों ने अपना मत है बंद कर दिया ईवीएम में जी। क्या है ठीक है उसको आप देखेंगे, लेकिन परिवर्तन की संभावना 90% हमको दिख रही है जी, मेरा व्यक्तिगत आप मानिए जी राजा जी, जिस तरह से आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं, चार चरणों के रुझान देखकर आप कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा, अभी तीन चरण का मतदान बाकी है, तीन चरण जो अभी बाकी के बचे हुए हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी बेहद स्ट्रांग मानी जा रही है, जहां पर उनकी जो जिस प्रकार के मुद्दे राजेंद्र जी जिस प्रकार के मुद्दे उन्होंने जो उनके मुख्य भूमिका में रहे, 2017 चुनाव हो गया जहां पर उन्होंने कहा था हम राम मंदिर का फैसला अपने पक्ष में करवाएंगे, वो उन्होंने अपने पक्ष में करा दिया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो गया वो उनका एक प्लस पॉइंट हो गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिस प्रकार से हमने कुछ दिन पहले वहां का गौरव देखा है, जिस प्रकार से वापस सैन्य शक्ति दिखाई थी, वो सारे के सारे मुद्दे कहीं ना कहीं जनता को आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। किसानों की आपने बात की, आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाराबंकी में ये चीज कही है कि जिस प्रकार से पिछली पार्टियां लगातार किसानों की बात कर रही थी, किसी ने भी छोटे किसानों को इसमें शामिल नहीं किया था, हमने छोटे किसानों के लिए जो योजनाएं लाई है उससे पहले उनका जिक्र नहीं किया गया था। महिलाओं पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी लगातार महिलाओं की रक्षा की बात कर रही है, जब धारा 370 लागू होने की बात हो रही थी समाजवादी पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया था, ऐसे में तमाम मुद्दे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होते दिखाई दे रहे हैं। पूर्वांचल की ओर चुनाव बढ़ चुका है, पूर्वांचल की तैयारियां भी भारतीय जनता पार्टी ने बेहद तेजी से शुरू कर दी थी, ऐसे में तीन चरण जो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से रुझान रहेगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, कह सकते हैं कि इस बार जो है वोटिंग होती अब तक तो दिखाई दे रही है कि आगामी जो वो है चुनाव है उनमें भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचने वाला है, किस प्रकार से आप देख रहे हैं पूर्वांचल की जनता जो है वो किस प्रकार के इस बार मन में दिखाई दे रही है, क्या आपको लगता है कि फिर से आपको परिवर्तन होता दिखाई देगा या फिर पासा पलट सकता है? जी नहीं, इस समय तो मुझे क्लीन स्वीप दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे कि आप 22 होकर समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं तो आप ये आरोप मुझ पर लगा सकते हैं, लेकिन सत्य बोलना भी जरूरी होता है कभी कभी, तो सत्य ये है कि आप जब महिला की बात करते हैं तो लोगों को हाथरस भी याद आता है, ठीक है, कि आप महिला सुरक्षा में हाथरस कहां गया था आपका, और कुछ ऐसी घटनाएं जब आप बचाते हैं, जब आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो अभी सैनी जी की जमानत हो गई, ठीक है, वो कहां जाता है, दूसरे लोग जब विपक्ष के लोगों को जेल भेजते हैं और अपने लोगों को आप जमानत पर रिहा करवाते हैं तो प्रश्न उठते हैं। इसके बाद जो आपने किसानों का मुद्दा लिया कि छोटे किसान बड़े किसान, किसान किसान है, छोटे भी है बड़े भी है, जानवरों का मुद्दा किसानों को प्रताड़ित कर रहा है तो कर रहा है, इसको आप सच्चाई को नहीं निकाल सकते। इसके बाद जो आपका जो अगला की राम मंदिर का है तो सब लोग ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को माना, सुप्रीम कोर्ट ने का जब डिसीजन हुआ बेंच ने दिया तो उसमें बहुमत से निर्णय हुआ, ज्यादातर जज पक्ष में थे कि मंदिर बनना चाहिए, मंदिर बना, ठीक है। किसान जहां तक आपने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की चर्चा की,
तो जहां पे बीजेपी उसका माइलेज लेने की कोशिश कर रही है, वहीं पर जो वहां का लोकल है, जिनके मंदिर तोड़े गए, जिनके घरों को तोड़ा गया, वो बहुत ही नाराज हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि पुरानी परंपरा को, जितने सालों से सदियों जो कहते हैं कि काफी पौराणिक नगरी है, पुराणों के समय चर्चा है उसकी, उस नगरी की गरिमा को उन्होंने ठेस पहुंचाई। तो जहां पे कुछ समर्थन भी जुटाया है तो विरोध भी खूब बड़ा है। तो ऐसा नहीं कहिए आप कि इन सब मुद्दों से फायदा होगा। और पश्चिम में तो देखिएगा, पश्चिम का जो माहौल है पूरा, देखिए जहां कास्ट इक्वेशन की बात करेंगे तो मुस्लिम वहां पर ज्यादा है, यादव कॉम्बिनेशन वादा है ज्यादा है, और इसके बाद राजभर कम्युनिटी ज्यादा है, वहां पर राजभर भी है, वहां पर मौर्य भी है, तो सब एक साथ जब है तो फिर गठबंधन को आप कैसे कह रहे हैं कि गठबंधन वहां पर कम करेगा। हमको तो बुंदेलखंड और अवध के क्षेत्र से बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि बीजेपी यहाँ पे अच्छा कर ले जाएगी और ये फाइट दे जाएगी, लेकिन जब बुंदेलखंड में आप लॉक हो गए, अवध में आपकी जो हालत हो रही है, तो पूर्वांचल में आप कैसे सोच सकते हैं। तो पूर्वांचल वाला जो क्षेत्र है, जो अगला चरण होने वाला है, उसमें भी यही लहर काम करेगी। अभी तक का ट्रेंड यही बता रहा है। और देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि लोकतंत्र में कुछ भी संभावना हो सकती है, ठीक है, सब कुछ हो सकता है, चेंज हो जाए, लेकिन जो दिख रहा है, जो प्रैक्टिकल दिख रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं, वहां के लोगों से बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम इस बार यार छोड़ो, इस बार इस तरह से हमको परिवर्तन दिखना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, बहुत हो गया। बेरोजगारी का मुद्दा युवाओं पे, इलाहाबाद वाले बेल्ट में जाइए आप, पूरा छाए बेचारे की ओवर एज हो गए, उसका सोल्यूशन क्या दे रहे हैं आप? आपने ये कहा कि हम 2 साल उम्र बढ़ा देंगे, जो कोरोना काल में लोग एग्जाम नहीं दे पाए, जब एग्जाम नहीं हुआ आपने नौकरियां जब की तो उसको कट डाउन कर दिया, इसके बाद आपने उम्र नहीं बढ़ाई, वो ओवर एज हो गए, वो लड़के कहां जाएंगे, वो तो बर्बाद हो गए, उनका भविष्य एकदम अंधकार में दिखाई देने लगा उनको। जब उन्होंने मांग की इसमें स्वच्छता बरती जाए, आपने लाठियां चलवाई, घरों में जाके तोड़ फोड़ कर उनको बटों से मारा गया, आतंकवादी थे वो कोई, ठीक है। तो इस तरह की कुछ घटनाएं घटी हैं, और जब थोड़ा थोड़ा गलत मिलके एक बहुत बड़ा गलत होता है तो परिवर्तन की ओर जाता है, और जो दिखाई दे रहा है कि परिवर्तन लग रहा है और बड़ा एकदम आंधी की तरह परिवर्तन दिख रहा है। अब देखिए 10 तारीख में कह रहा हूं कि 10 तारीख को सब आ जाएगा सामने, सबके सामने जी। तो बहरहाल इस वक्त 4 चरणों का मतदान तो पूरा हो चुका है और अभी 3 चरणों का मतदान बाकी है, ऐसे में रिजल्ट जो है वो 10 मार्च को आएंगे, लेकिन अभी तक जिस प्रकार से हम चर्चा कर रहे हैं उसमें निकल कर सामने आ रहा है कि इस बार कांटे की टक्कर होती दिखाई दे रही है, बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है या फिर एक बार फिर से बीजेपी की जीत हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेंद्र वर्मा जी, और अपना वक्त देने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र वर्मा जुड़े हुए थे, जिन्होंने आगामी चुनाव को लेकर हमसे बात की थी, जहां पर 5वें, 6वें और 7वें चरण को लेकर भी कह सकते हैं कि चर्चा की गई है, वहीं पर आज हुई वोटिंग को लेकर भी बात की गई है। अगर हम बात करें तो 9 जिलों की 59 सीटों पर आज वोट डाले गए थे, जहां पर शाम 5 बजे तक लगभग 57.45% मतदान जो है पूरा हो चुका है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप वोटिंग परसेंटेज देख पा रहे हैं, जहां पर राजधानी लखनऊ में ही अगर हम बात करते हैं तो 54% मतदान हुआ है, वहीं पीलीभीत में 61% मतदान जो है वो पूरा हो चुका है। लखनऊ में बेहद कम परसेंटेज इस पर काउंट किया गया है, 55% जो है वोटिंग लगभग वहां पर हुई है। फतेहपुर में 57.2% मतदान हुआ है, वहीं लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा 62.45% मतदान पूरा हो चुका है। ऐसे में आगामी 3 चरण का मतदान जो है उसको लेकर अब राजनीतिक दल जो है उन्होंने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पूर्वांचल में होने वाले इस चुनाव को लेकर सभी सियासी दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं, लगातार रैली और जनसभाओं का दौर जो है वो जारी है, वार पलटवार का दौर जो है वो जारी है, और लगातार जनता से अपील की जा रही है कि हमारे पक्ष में वोट किया जाए। ऐसे में जनता का क्या कुछ मूड है और जनता किसको अपना मत देना चाहती है, ये तो 10 मार्च को ही साफ हो जाएगा, और 10 मार्च को स्थिति निकलकर साफ हो जाएगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी की लहर एक बार फिर से बरकरार रहती है या फिर इस बार परिवर्तन होगा। परंतु चुनाव की सभी अपडेट के लिए प्राइम टीवी लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहा है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।